हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप सभी का मेजर में स्वागत है। तो गाइस, इतने दिनों बाद मिली हूँ। आई होप आप सभी हाय ओ हाय तकनुश। तो गाइस, इतने दिनों बाद आप लोग से मिले, आई होप आप सभी ठीक हैं। और तो अभी मेरा वेकेशन चल रहा है 2 महीने का, तो सोचा कि क्यों ना इस वेकेशन में मैं अपना ब्लॉग बनाना फिर से शुरू कर दूँ। तो और आज बना रही हूँ, और आज का ब्लॉग ना कुछ अलग है, क्योंकि आज मैं आप लोग को मिलवाने जा रही हूँ स्वप्निल मोरे भैया को, जो है मुंबई महाराष्ट्र के, और वो मतलब चल चल के पूरे जगह टूर कर रहे हैं। और मतलब कल हम लोग के यहाँ पे रहे थे, तो कल रात हो गया था, इसलिए मतलब वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज सुबह बना रही हूँ। तो चलिए आप लोग से मिलवाते हो, चले। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमारा नाम स्वप्निल मोरे, हम नागपुर महाराष्ट्र से जी। और मतलब आप ये जो कर रहे जर्नी आपका, ये आप किस लिए कर रहे हैं और कहाँ से शुरू किया, मतलब और इसके पीछे का एम क्या, मतलब आप क्यों ये कर रहे हैं जी? तो हम महाराष्ट्र नागपुर से पैदल यात्रा चालू किया था, तो अभी हम आसाम में हैं, आसाम में जैसे बालीपारा के पास। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था नवंबर 2022, तो अभी 6 मंथ हो चुका है। और हम महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आए थे, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। नागालैंड से जैसे कोहिमा, दिमापुर होके डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ढोला, सदिया, उधर परशुरामपुर होके तेजू, रोहिंग, पासीघाट, धेमाजी, लखीमपुर, नारायणपुर, ऐसे होके हम बालीपारा, भालुक होके हम तवांग गए, अरुणाचल, हमारे 10वें स्टेट के लिए, जैसे अरुणाचल, तवांग, बॉमडिला, सेपा, वैसे होके ईटानगर। अभी हम ईटानगर से जा रहे हैं हमारे 11वें स्टेट बिहार के लिए, तो हमको आसाम होके जाना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं तेजपुर, तेजपुर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर निकल जाएंगे बिहार के लिए। तो इसके साथ जब हम ये यात्रा शुरू किए थे, तो सिर्फ जैसे एक टाइम का खाना और जैसे 3 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा, पूरे इंडिया करने के लिए पैसा बहुत लग जाएगा, लाख रुपए लग जाएगा, तो इसलिए हमने ये बिना पैसे के टूर स्टार्ट किया था। तो हम 10 डेढ़ भी हो चुका है और यहाँ तक पहुँचे, तो ये सिर्फ मुमकिन हुआ है लोगों के प्यार से, लोगों के सपोर्ट से। तो हम तो चल रहे, लेकिन हमको खाना खिलाया, जैसे जैसे गणेश सर है, तो गणेश सर ने कल हम गणेश सर ने कहीं पे हमको वीडियो में देखा था, जब हम तवांग में थे वो वीडियो में उन्होंने देखा था। तो हम कल यहाँ से जा रहे थे, जैसे बालीपारा जा रहे थे, तो बालीपारा जाते जाते सर ये कौन सा जगह है, ये तुपिया। हाँ, तो ये तुपिया से हम बालीपारा जा रहे थे, तो ऐसी शाम हो गया था, तो हम सोचे कि हम वो आगे मंदिर में रुक जाएंगे। तो जाते जाते सर से मुलाकात, सर ने गाड़ी रोका, उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, तो उन्होंने सर बोले कि आज हमको भी सेवा करने का मौका दीजिए, आज हमारे यहाँ रुकिए आप। तो हमको भी अच्छा लगा कि हम जैसे घर किसी घर में जाएंगे, लोकल घर में, हमको वहाँ के बस कल्चर भी पता चलता है, बहुत सी चीज़ें पता चलता है। तो हमको भी इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर ने कल से सेवा कर रही है, कल शाम को हम आए थे, तो फिर डिनर भी किए, अभी आज हम जाने वाले हैं। तो और भी सर बोल रहे थे, हम तो सुबह निकलने वाले थे, लेकिन सर बोल रहे थे कि आप सर बोले तो लंच करके जाना, तो इसलिए हम रुके हैं। तो और हम जैसे जो बात था कि हम कैसे खाते कैसे रहते, तो सर जैसे लोग कोई ना कोई मिल ही जाता है जो मदद करता है, कोई खाना खिलाता है, कोई छोटा मोटा मदद करता है, सोने के लिए मंदिर, पेट्रोल पंप, गुरुद्वारा, ऐसे हम सोते हैं। तो और जैसे ये जर्नी हमने स्टार्ट किया था, हम हमारे पॉइंट पे आएंगे, जैसे ये जर्नी स्टार्ट हमने स्टार्ट किया था, ये बिना पैसे का स्टार्ट किया था, और जैसे आपने पूछा था कि ये क्यों कर रहे हैं, तो ये हमने ये खुद की साधना के लिए कर रहे हैं। जैसे लोग जैसे डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो हमने भी दो साल मतलब सीखने के लिए निकले, जैसे नेचर से हो गया, लोगों से हो गया, वहाँ के कल्चर भी सीख सकते हैं, और मेन बात आपका विल पावर बढ़ेगा। जैसे 6 महीना हो गया, तो 6 महीना हम अलग अलग जगह सो के आए, तो उसको फेस किया हमने, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये हम खुद को चेंज करने के लिए
कर रहे हैं। और छोटा सा जैसे यंग यूथ के लिए हम मैसेज भी लेके चल रहे हैं कि कोई भी आपको काम करना है तो पहले खुद पे विश्वास और साहस होनी चाहिए। तो जैसे हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था, हाँ हम खुद पे विश्वास था कि हम करेंगे, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे, तो यही है। और और आपके मतलब जो कर रहे हैं उसके लिए आपको आपके फैमिली सपोर्ट करती है? हाँ, फैमिली सभी लोग प्राउड करते हैं और हमारा कांटेक्ट भी होता ही रहता है, तो फ्रेंड्स लोग और फैमिली लोग। और आप जो ये मतलब चल चल के पूरा घूम रहे हैं ना, आपको थकान होता है? ऐसा तो नहीं, अभी आदत सा हो गया है। स्टार्टिंग में हमको थोड़ा तकलीफ हुआ था, ऐसा नहीं कि हम भी तो इंसान ही है, तो तकलीफ हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन वो हमारी गलती से हुआ था कि हमने पहले दिन 65 किलोमीटर चले थे, तो इसलिए हमको तकलीफ हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अभी आदत सा हो गया, हम डेली 40 किलोमीटर चलते। तो आप अभी मतलब इतनी जगह घूम चुके हैं ना, तो उसमें से आपके बेस्ट मोमेंट या फिर वर्स्ट मोमेंट के बारे में कुछ बोल सकते? बेस्ट मोमेंट तो बहुत है, ये भी एक मोमेंट से जैसे मैं आपको घर लाया, ये भी बहुत है। और जो आपने बोला कि जैसे कोई बुरा मोमेंट है, तो वो हमारे जर्नी का पार्ट होता है। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, वो हमारे जर्नी का पार्ट होता है, उससे हम सीखते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। वो नहीं होता तो यहाँ तक हम पहुँचते। देखो हम तो अभी नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, तो सभी सेवन सिस्टर्स में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, तो किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो लेकिन हर इसमें जैसे हम अरुणाचल से रिसेंटली आ रहे, अरुणाचल में भी हमको बहुत प्यार मिला और आसाम में तो मिल ही रहा है, तो सब जगह। अगर हम जब से गुवाहाटी आए थे, तो गुवाहाटी से हम मेघालय चले गए, तो वहाँ भी हमको सपोर्ट मिला। मेघालय से त्रिपुरा गए, त्रिपुरा में भी सपोर्ट मिला, त्रिपुरा से मिजोरम मणिपुर सभी जगह मिला। तो सभी जगह का नॉर्थ ईस्ट का, जैसे हमको तो हम फर्स्ट टाइम आए, तो इसका तो हमको आइडिया नहीं था कि हमको कैसा प्यार मिलेगा, लेकिन हम आए तब हम जाने कि नहीं यहाँ तो सचमुच, जैसे हमने सुना था हमारे इधर लोग जैसे ऐसे बोलते रहते कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा है वैसे, हमने भी बहुत से वीडियो में देखा है कि नॉर्थ ईस्ट डेंजर है, वहाँ मत जाओ, ऐसे भी हमने कई कई, लेकिन वो सच नहीं है। सच हम तो पैदल चल रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट, हम पैदल गया, हमको तो कुछ हुआ नहीं, हम तो सही सलामत है और हमको प्यार भी बहुत मिला। जी, और आपको यहाँ मतलब आसाम पे आके कैसे लगा? जी, आसाम में आके तो बहुत अच्छा लगा। आपके जैसे हम एक व्यू तो हम मिस कर दिया, जैसे अप्रैल का जो व्यू फेस्टिवल होता है वो, तो तब हम अरुणाचल में थे, लेकिन हाँ जनवरी के व्यू में हम आसाम में थे, गुवाहाटी साइड में, तब हमने पीठा वगैरह लड्डू जो बनाते हैं आपके आसाम इसमें, वो हमने खाया था, हमको बहुत अच्छा लगा, लोग भी बहुत अच्छे हैं। और मतलब गुवाहाटी से हम निकल जाएंगे कोच बिहार के लिए, फिर वहाँ से सिलीगुड़ी बागडोगरा, फिर हमारे 11वें स्टेट के लिए बिहार के लिए जाएंगे। अच्छा। फिर वैसे हमारा ये बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, फिर जाएंगे साउथ कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो यहाँ से हमको 2 साल लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो अभी तो अभी घूम रहे ना जी, तो पूरा इंडिया घूमने के बाद मतलब आपका नेक्स्ट प्लान क्या, क्या करने के सोच रहे हो? वो तो हम ये जर्नी में ही पता चलेगा, इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि हम जो पहले काम करते थे, हम प्रोफेशन से टूर ऑपरेटर है, तो हम खुद का ही काम करते हैं, वो तो हमारा चलेगा, लेकिन हम ये पूरा यात्रा करने के बाद ये यात्रा में जो निकलेगा उसके लिए हम हमारा लाइफ मतलब उसके लिए हम हमारा लाइफ देंगे। यही था मेरा सवाल। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी भैया को खाना खिलाएंगे, तो खाने में क्या क्या है वो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलिए चलते। खाने में ज़्यादा कुछ भी नहीं है असल पे, बस छोटा मोटा, ये दिखाई को। तो आपको खाना कैसा लगा? खाना
खाना तो कल से खाते आ रहे, बहुत अच्छा लगा। कल सर ने हमारे लिए बहुत अच्छा से पनीर का सब्जी बनाया था, हमको बहुत पसंद आया। और हमने पूरे जर्नी में ऐसा सब्जी, बोले तो पनीर का सब्जी खाया ही नहीं था। अच्छा। तो सर ने बहुत अच्छे से बनाया। और अभी भी हम तो सुबह निकलने वाले थे, लेकिन सर बोले कि आप खा के जाइए, तो बहुत अच्छा लगा खाना। और घर में खाने की मजा ही अलग है। जी जी जी, इतना दिन से तो कभी बाहर भी खाते हैं ना, इसलिए जी। समीर भैया को रोड तक छोड़ने जा रही है, तो चलिए एक साथ चलते हैं। अच्छे से जाइए। स्वप्निल भैया चले गए हैं, तो मेरा आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी को मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।